सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आई एम सॉरी कि मैं दो दिन से व्लॉग नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। मुझे दो दिन से फीवर आ रहा था और वीकनेस था, मुझे स्टमक एक था, सर में दर्द था, उस वजह से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ख़राब हो गया था और मेरी तबीयत अभी भी ख़राब है। बट नहीं, मैं सोची कि बहुत ज़्यादा दिन हो चुका था तो इसलिए वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। अब तो सोचे आप लोगों को भी बता दूं कि मेरा तबीयत अच्छा नहीं है, इसलिए सोची आज का ये व्लॉग बना करके दिखा दूं आप लोगों को, क्योंकि मे भी शायद फर्दर आगे कुछ दिन तक मैं वीडियो नहीं बना पाऊँ, लेकिन कोशिश करूँगी बनाने का। अगर नहीं बना पाऊँ तो आप लोग प्लीज़ ये मत सोचना कि वीडियोज़ बनाना छोड़ दी हूँ मैं, ऐसा नहीं है। वीडियो ज़रूर आएगा, बट मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँ उसके बाद वीडियो आएगा। एक्चुअली मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, बट मेरा जो सिम्टम्स अभी हमको लग रहा है, जैसे कि हमको वोमिटिंग जैसा लगता है, हेडेक है, स्टमक एक है, वो टाइफॉइड का सिम्टम्स है। तो हम आज टाइफॉइड का टेस्ट करवाने जा रहे हैं और कोरोना का भी, क्योंकि मुझे तीन दिन से लगातार फीवर हो रहा है और दवा खाने के बाद वो उतर जाता है, इसलिए आज हॉस्पिटल जा रहे हैं हम दोनों टेस्ट करवाने के लिए, ताकि देख लेंगे, नहीं अगर कुछ होगा तो अच्छा ही है ना, लेकिन टेस्ट करवाना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम टाइफॉइड का और कोरोना का टेस्ट करवा लेंगे जा कर के। तो 11 बजे हम मम्मी के साथ हॉस्पिटल जाएंगे टेस्ट करवाने के लिए। मुझे अभी से डर लग रहा है, क्योंकि सुई से मुझे डर लगता है, और टेस्ट के लिए वो लोग मेरा ब्लड तो लेंगे ही, मेरे हाथ से ब्लड लेंगे, हमको इतना डर लग रहा है ना, हम आपको बता नहीं सकते। सो गाइस, मुझे अभी मिडिल में ही क्लास अपना छोड़ना पड़ा, क्योंकि अभी हॉस्पिटल जाना है हमको, वरना वहाँ डॉक्टर्स नहीं रहेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बोल रहा था? ओके फाइन। तो मम्मी के साथ अभी हम निकल रहे हैं। लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और मम्मी वहां लैब जा रही हैं, डॉक्टर्स की है कि नहीं। अरे ऑडिशन में अंडा पॉइंट कर लिए। सो गाइस, अभी 12:30 बज रहे हैं और 2 घंटे से मैं हॉस्पिटल में, इतने सारे लिख दिए हैं डॉक्टर टेस्ट मेरा, जिसमें से 2 हो चुका है और 1 अभी होगा। तो मेरा 2 जांच हो चुका है, बाकी और भी था तो वो नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं था, तो वो बाद में करवा लेंगे अगर टाइफॉइड का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है। और जो डॉक्टर था वो क्या लिखे थे वो कोई नहीं पढ़ पा रहा था। तो ऐसे ऐसे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ये हालत हो चुका है कि वहाँ पर डॉक्टर्स है ही नहीं। तो आप लोग भी अगर प्रॉब्लम है तो प्राइवेट में जाइएगा, पैसा लगा रहा, पैसा लग ही रहा है तो प्राइवेट में जाइएगा, गवर्नमेंट जाने से कोई फायदा नहीं।
डॉक्टर खुद क्या लिखा है वो खुद कोई नहीं पढ़ पा रहा है, दूसरा डॉक्टर नहीं पढ़ पा रहा है, इसलिए मेरा दो ही जांच हो पाया, कोविड का और टाइफाइड का। अगर और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो फिर वो मंडे को करवाएंगे, क्योंकि कल तो संडे है, इसीलिए अभी घर जा रहे हैं। हमको बहुत जोर से भूख भी लग गया है। घर आ चुके हैं और हम अपने लिए दो मैगी लाए हैं, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था, तो मैगी खाएंगे अभी। क्लास कर रहे हो? कितने बजे ख़त्म होगा? कितने बजे ख़त्म होगा? मैगी बना दोगे मेरे लिए? थक गए हैं, पता बहुत ज़्यादा थक गए हैं, नहीं बना दोगे? पूरा दो घंटा लग गया हमको हॉस्पिटल में, अब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। भाई का क्लास चल रहा है तो उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हम बहुत थक चुके हैं। और हम इसी हाथ से, जिस हाथ से मेरा ब्लड टेस्ट हुआ उसी हाथ से हम फ़ोन करके वीडियो बना रहे हैं। भाई क्लास करा तो उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, इसलिए हम ही मैगी बना लेते हैं और खा के थोड़ा देर आराम कर लेंगे। अभी बज रहे शाम के 4 और मैं अभी ही थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल से आई हूँ। तो ये हुआ कि मेरा जो टेस्ट था वो पॉजिटिव आ गया, तो वो कोरोना का टेस्ट नहीं था बल्कि वो टाइफॉइड का टेस्ट था, और वो मेरा पॉजिटिव आ गया है, तो मुझे टाइफॉइड हो गया है। वो कैसे हुआ वो मुझे नहीं पता, बट हो गया है। तो हो सकता है कोई भी रीज़न से हो सकता है, उसका तो कुछ नहीं बोला जा सकता। तो हम हॉस्पिटल से मेडिसिंस वगैरह लेकर के आए हैं, क्योंकि पापा को भेजे थे, लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स बोले जब तक कि वो पेशेंट को नहीं देखेंगे वो मेडिसिंस नहीं लिखेंगे। और तो मेडिसिंस हम लेकर के आ चुके हैं, मोस्ट प्रोबेबली 10 दिन में ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा स्टार्टिंग ही था। अगर ज़्यादा लेट करते तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता था आगे जा कर के। तो लंच करके हम मेडिसिंस ले लिए हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं, डॉक्टर बस बोला है कि हल्का गर्म पानी पीने के लिए, तो हम उसके लिए गर्म पानी कर रहे हैं। बाकी मेरे लिए तो नॉर्मल है, हो गया तो चलो ठीक है, ठीक हो जाएंगे। बट मम्मी पापा के होता है ना, बोलते रहेंगे ये मत करो वो मत करो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, बारिश है कुछ भी हो सकता है। अब टाइफॉइड का टेस्ट पॉजिटिव निकल गया है, तो हमको डेंगू और मलेरिया का भी टेस्ट करवाना होगा जा करके, क्योंकि वो आज नहीं करवाए थे। हम सोचे कि अगर टाइफॉइड का निकल जाता है, बाय चांस 1% लिए थे कि पॉजिटिव निकल जाता है तो जाके करवा लेंगे, वरना फालतू का पैसा लगा करके क्या ही फ़ायदा। अभी ऐसे ही बहुत ज़्यादा फिनेंशियली कंडीशन सबका ख़राब है, इसलिए हम सोचे कि करवा लेंगे बाद में। और हम घर आए और जैसे ही क्लास कर रहे थे तब तक में पापा का फ़ोन आया कि हमको टाइफॉइड हो चुका है। मुझे तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया तो हो गया टाइफॉइड, मेडिसिंस लेंगे, हफ्ता दो हफ्ता तक प्रिकॉशंस लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। बाकी पानी तो ले ही लिए हैं गर्म, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ ये है कि 10-15 दिन तो हम घर से निकलने नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम घर से बाहर निकलेंगे तो हम कुछ भी खा लेंगे और कहीं का भी पानी पी लेंगे हम, जबकि तो इस घर पे ऐसा कुछ है नहीं। फिर भी हमको ही हो आ गया, पता नहीं क्यों, हमको ही सब कुछ होता है। खैर कोई बात नहीं, अब कुछ दिन तक प्रिकॉशंस लेना होगा हमको, और थोड़ा हमको अपना ध्यान भी रखना होगा, वरना मम्मी पापा से बहुत डांट मिलेगा। और अब कुछ दिन तक तो घर में ही रहेंगे, अब घर से बाहर तो नहीं जा पाएंगे, तो खैर कोई बात नहीं, देखते हैं। क्योंकि जब तक हम दूसरा टेस्ट नहीं कराते, अगर मेरा जो मेडिसिंस का कोर्स है वो जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक मेरा टेस्ट नहीं होगा कि हम टाइफॉइड से ठीक हुए हैं या नहीं हुए हैं। अभी डेंगू मलेरिया तो अलग ही है, उसका टेस्ट मंडे को दोबारा से हमको करवाना होगा, तो अब जो होगा मंडे को ही होगा, क्योंकि मेरा कोरोना टेस्ट जो हुआ है आज उसका भी रिपोर्ट हमको मंडे को ही मिलेगा। पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी होगा पॉजिटिव हो नेगेटिव हो क्या ही प्रॉब्लम जाता है, इतने लोगों को कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, अगर हो ही गया तो प्रिकॉशंस लेंगे ठीक हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ, आप लोग भी अपना केयर करो, क्योंकि अभी का जो वेदर है वो बहुत ही ख़राब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और कोरोना भी बहुत फैल रहा है, तो किसी को भी मतलब प्रॉब्लम हो सकता है यार। अगर प्रॉब्लम होगा तो आपको ही परेशानी होगी, आपके पेरेंट्स को परेशानी होगी, इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि अपना केयर करो, ठीक से खाओ पियो और घर का बाहर का मत खाना, जबकि मैं घर के बाहर का खाती हूँ फिर भी आप लोगों को बोल रही हूँ। लेकिन आज जब मुझे हो गया है तो मुझे लग रहा है कि हाँ शायद मैं घर का बाहर का ज़्यादा खाती हूँ, इसलिए मुझे हुआ है। सो कोई बात नहीं, सो ये है मेरा रिपोर्ट,
जो कि आज हम टाइफॉइड का टेस्ट करवाए थे, तो वो ये पॉजिटिव आ चुका है मेरा। तो ये रिपोर्ट्स रहा, और ये है मेरे इतने सारे मेडिसिंस। तो मुझे टाइफॉइड में यही मिला है, तो ज़्यादा दिन का नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा ही हुआ हमको इसीलिए। गाइस अभी बज रहे रात के 10:30 और हम खाना खा चुके हैं। बाकी भी मेडिसिंस लेना है हमको, क्योंकि रात को हमको मेडिसिंस को भी लेना था, तो उसी के लिए हम पानी गर्म करने आए थे। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करना लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब, और अपने फैमिली का अच्छे से ख्याल रखना। गुड नाइट, बाय।